हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चलाई हो? अच्छे होंगे तो भाई जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो के लाइक्स का है 15,000, जल्दी से अगर सो पूरा करा दो। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारी प्यारी मुस्तफा की वाइफ ने किया था किडनैप उस दुबई वाले बंदे को। तो भाई काफी हो चुका था उस लड़की ने, काफी परेशान कर लिया, अभी मरने वाली है। आज उसका एंड आप समझ लो, आज वो मर गई भाई, आज उसका पत्ता कटने वाला है, आज वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्योंकि आज काफी टाइम से मैं लेस्टर को लगा करके रखा हुआ है उसी काम पर। फिलहाल अभी मैं लेस्टर के पास ही जा रहा हूँ मिलने के लिए। लेस्टर ने मेरे को बोला है कि ट्रेवर बेटे जल्दी से आ जा, फटाफट से मेरे से मिलने के लिए, एक जगह पे तेरे को काफी जरूरी चीज दिखानी है। चलिए भाई चलते मिलते हैं उससे जाकर के और पता करते हैं। फिलहाल मुस्तफा की वाइफ ने बहुत परेशान करा, मैं भी तो देखो अगर कौन सी उसकी वाइफ है और वजह क्या है यार, आखिर असल में किया क्यों? मुस्तफा के लिए, KGF के लिए या फिर किसी और वजह से किया है? और टेरी नमूना उसको मत भूलना, उसकी डबल कॉपी मेरे को मिली थी। पता नहीं कैसे कैसे काम हो रहे हैं ट्रेवर की लाइफ में। ट्रेवर बिना बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, मतलब इसकी मुसीबतें खत्म होती नहीं है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, जो छोटी हो पर आती जरूर है। तो फिलहाल चलिए निकलते हैं और लेसर भाई जी से बातें करते हैं। ये नमूने हो क्या होगा, एकदम से घुमा दी गाड़ी। तो फिलहाल भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना। मैं GT की वीडियो डालता हूं और भाई उस पे हमारे GT6 की सीरीज आ रही है जिसमें टेक्नो है, आप लोगों को देखने में काफी अच्छी लगने वाली है, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई फटाफट से पहुंचते हैं। भाई मैं पहुंच चुका हूं लेस्टर फूफा की बताई हुई जगह पे। ये क्या ड्रामा है भाई, ये लेस्टर फूफी का दिमाग खराब हो गया, मतलब क्या हो क्या गया? अमेजिंग लेवल का नमूना है ये, मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा है। फिलहाल इस बार बेस को हमने पहले ले लिया था शायद से, तो इसने यहाँ पे क्यों बुलाया मेरे को मिलने के लिए? भाई देख रहे हो यहाँ पे किस टाइप के प्लेन है, मतलब यहाँ पे हर एक वैरायटी के प्लेन है, पब्लिक प्लेन, प्राइवेट जेट, कार्गो प्लेन, मिलिट्री वाले प्लेन। ओके ये रहा नमूना। हेलो नमूनों के सरदार, ये क्या बिल्डिंग लगा के रखे तूने? स्टैचू के ऊपर स्टैचू, स्टैचू के ऊपर स्टैचू, फिर उसके ऊपर स्टैचू, क्या बोले भाई, बहुत स्टैचू है। तो फिलहाल लेस्टर भाई जरा बताने का कष्ट करोगे आप, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है? अबे ड्राइवर तेरे लिए किया, मैंने किया, मैं अपनी मर्जी से किया, तू क्या करेगा, तू क्या करना क्या चाहता है भाई, कैसे कैसे सवाल करता है। एक तो मैं तेरी तरी फिक्र करता हूँ, मैं सुबह शाम यही सोचता हूँ कि आज तेरे को क्या दया गिफ्ट दूँ। तू देख मेरे ऊपर रहम खाया कर यार, मैं एक तो तेरे बहुत फिक्र करता हूँ और ऊपर से तू मेरी चीजों में कमी मत निकाला कर। ये सब मैंने तेरे लिए किया क्या? मैंने तेरे लिए नए नए स्टैचूज बनवाए हैं और कुछ तेरे लिए डायमंड से कार मैंने बनवाई जो कि तेरा अभी एयरपोर्ट पर वेट कर रही है, चल जल्दी से जाकर वहां पर देख और फिर बताना कैसी लगी। ऐसा नहीं बोल रहा लेसर यार, देख तू बहुत मेहनत करता है मेरे लिए, अब तू परेशान मत हो। बट मेन पॉइंट ये नहीं था फूफी, मेन पॉइंट था मुस्तफा की वाइफ को ढूंढना। भाई वो खतरा दे रही है, समझ रहा है ना? अबे ट्रेवर वो मेरा काम है, तेरा काम थोड़ी है, मैं कर रहा हूँ ना। तेरे को बोला आज वो मरेगी तो मरेगी, चाहे मैं कहीं से ढूंढ के निकाल के लेकर आऊँ, काम चल रहा है, थोड़ी देर में वो निकल के आ जाएगी, बात खत्म। फिलहाल तू काम पे जा, जो मैंने तेरे को बोला है जाकर के चीजें चेक कर, मैंने तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है, देख मूड खराब मत कर नहीं तो मैं डंडा बजा दूंगा। ये सही है बेटे, तू बजाएगा मेरे, मैं सीधा कर दूंगा। तो फिलहाल चलिए भाई, बोल रहा है कि आज मुस्तफा की वाइफ का एंड होगा तो होगा, बात खत्म, इसने बोल दिया तो भाई बात ही खत्म फिर तो। और फिलहाल ये क्यों चढ़ाई इसने बिल्डिंग पे बिल्डिंग में, समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों करना चाह रहा है ये, लगता है कहीं पे इनको लगाना सोच रहा होगा। वो बात ठीक है, फिलहाल इसने बोला है कि भाई काफी सारी डायमंड्स वाली कार इसने मेरे लिए मंगाई है, बहुत कमाल की बात है। ठीक है भाई लेसर नमूने, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरा तू यहीं पर खड़ा रहे, मैं दो मिनट में चेक करके आता हूँ तेरी प्यारी गाड़ियों को भी। यार सच्ची में लेसर है बड़ा अच्छा बंदा, दिल का काफी अच्छा बंदा है, देखो मैं इसकी हेल्प करता हूँ, ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है। फिलहाल इसकी शादी कराएंगे फटाफट से, भाई काफी टाइम हो चुका है, कैटरीना से बात करते हो, कैटरीना तुम बताओ, उसकी मर्जी पूछेंगे। ये नमूना लेसर आपको बताया तो बोले कल करा दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिलहाल मैं उससे उसकी मर्जी पूछूंगा कि आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, सच्ची में शादी करना चाहती हो, फिर मैं बेवकूफ़ बना रही थी इसको, जिस टाइम वो बोलेगी उसी डेट पे शादी तय कर देंगे, बात खत्म। अभी लड़की के ऊपर छोड़ देते हैं सारी चीजें, लड़की जब बोलेगी तभी शादी कर देंगे, क्योंकि लेसर तो भाई राजी है, लेसर तो इसकी तरफ से 2 घंटे में शादी रख लो, ये कोई मना नहीं करेगा। भाई मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ, काफी गाड़ी भिजवा दी भाई, कौन छोड़ गया इनको, लगता है कोई कार्गो प्लेन में भाई उतार करके चला गया, ऐसे ही कमाल है, कोई गार्ड तो खड़ा कर देता, कोई लेकर के भाग जाता तो भाई। ये सारी गाड़ी जो डायमंड की है, आपको पता है हमारे पास डायमंड्स काफी है, तो इसने इसका मतलब डायमंड को तोड़वाया, पिसवाया, जैसे भी करवाया और बॉडी में लगवा दिया, तो बॉडी भाई डायमंड की है, प्योर डायमंड तो नहीं होगा, कुछ मिक्स तो जरूर करा होगा, क्योंकि प्योर डायमंड की बॉडी रुकने वाली नहीं है, इसलिए कि इस चीज़ में डायमंड को मिक्स करा ताकि बॉडी रुक जाए, क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं होता, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, गाड़ी बनाने के लिए काम नहीं आएगा, बॉडी थोड़ी हार्ड भी तो होनी चाहिए ना। तो मेन पॉइंट देखी जाए तो डायमंड सी गाड़ी, मैंने तो पहले एक ली थी, इस लेस्टर नमूने ने इतनी सारी बनवा दी। यार ये लेस्टर सच्ची में दिमाग काफ़ी चला रहा आजकल, मेरी तो रिच लाइफ ही बहुत अच्छी बना देगा ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब भाई रिच लाइफ का पार्ट 3 मान लीजिए आप। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा भाई, गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी, चलो एक गाड़ी चला कर टेस्ट भी कर लेते हैं कि आखिरी गाड़ी में कितना दाम है। चल भाई ड्राइवर सामने वाली गाड़ी को ले ले और ट्राई कर और चेक कर, देखते हैं आखिर इस गाड़ी में कितना दाम है। फिलहाल भाई गाड़ी जो है बैटरी वाली है, चलो सही है, अपनी अपनी हिसाब होता है, क्या पता लेसर ने
पूछा हो बंदे से और उसने बोला हो कि सर बैटरी वाली गाड़ी सही रहेगी डायमंड की, क्या पता पेट्रोल डीजल की ना चलती हो। भाई देखो मेरे को पूरा पक्का नहीं पता इस चीज़ के बारे में, सारा काम लेसर का करवाया हुआ है, तो ये जो गाड़ी बैटरी की उसने बनवाई है वो उसी की मर्जी। आप साउंड से समझ ही गए होंगे बैटरी की कार है, तो फिलहाल स्पीड भी काफ़ी सही है। भाई देखो बैटरी गाड़ी इतनी भागती है, बैटरी गाड़ी रॉकेट नहीं बनेगी, ये 170 के ऊपर जा रही है, ये बहुत ज़्यादा भाग रही है, नहीं तो बैटरी कार मुश्किल से भाई 180-190-150 बस बहुत मुश्किल से पहुँचती है। इतनी अच्छी है गाड़ी की स्पीड, इंटीरियर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम चलेगा, टू सीटर गाड़ी है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। सबसे मेन चीज़ क्या है, गाड़ी डायमंड की है भाई, डायमंड की गाड़ी ऐसी थोड़ी बन जाती है बात से पूरी, मतलब जितना ज़्यादा पैसा लगा लो जल्दी से नहीं बना सकता कोई। लो स्टैंड में इतना दम नहीं, इतना ट्रेवर में भाई एक गाड़ी छोड़ो लेसर ने तो लाइन पे लाइन लगा दी, यहाँ पे एक गाड़ी तो भाई चलती तो चल जाती। लेसर से मैंने बातें कर ली भाई, ये चीज़ सच्ची में बड़ी कमाल कर दी उसने, इस चीज़ को मैं उससे बोल रहा था करवाने के लिए। जो मेरा घर है सोने वाला घर, उसके नीचे उसने एक भाई बेसमेंट बनवा दिया, बोल रहा है ड्राइवर मैंने तेरे लिए तेरे घर में ही सीक्रेट बेसमेंट बनवाया, तेरे को पता भी नहीं चला, फिलहाल मैंने काम करवा दिया। तो भाई सच्ची में मेरे को पता नहीं चला, वैसे आपको पता है मैं घर काफ़ी कम रहता हूँ, तो इसने भाई नीचे तरफ बेसमेंट बनवाया जिसमें एक टॉर्चर रूम है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब भाई थोड़ी मोटी ड्रग्स भी अगर किसी को लेनी हो, कभी सस्ते नशे करने हो, बेचने के लिए नहीं अपने खुद के नशे के लिए, मतलब तो उसने सारी चीज़ें सेट करवा दी मेरे घर के नीचे, ताकि इन फ्यूचर मान लो भाई घर पे अटैक हो जाए तो डोगी भाग करके वहाँ पे चला जाए, ऐसा इसने करवाया सारा काम। ये सही है भाई, इस चीज़ के लिए तो मैं इसको बहुत तारीफ करने वाला हूँ। मेरे घर के नीचे बेसमेंट, वो भी सीक्रेट तरीके से, और पता है एंट्री कहाँ से, एक फ्रिज के अंदर से एंट्री है भाई उसमें, अब आएगा असली मजा। तो फिलहाल भाई सच्ची में जस्ट इमेजिन, मान लो घर पे गोली बज रही है, गार्ड्स उनको मारने में लग रहे हैं, तो जब तक क्या है डोगी भाई बंदों को बेवकूफ बना करके धोखा दे करके उनकी नज़र से बच के घुस जाएगा घर के अंदर और सीधा सीक्रेट जगह पे जा करके छुप के बैठ जाएगा। ये सही है, अब डोगी कभी किडनैप नहीं होगा, अब मैं समझ गया। फटाफट से निकलते घर पे भाई, अब पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे से घर पर। ओके भाई मेरे प्यारे गार्ड्स यहाँ पर खड़े हुए, तो फिलहाल भाई देखो डोगी को मैं अभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने आने से पहले ना गार्ड से पता कर लिया था डोगी सोने में लगा हुआ है, तो उसको सोने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी आँख खुल गई तो वो मेरे पास आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको भी दिखा दूंगा, नहीं तो फिलहाल मैं अकेले चेक कर लेता हूँ उसको, फिर कभी दिखा दूंगा बाद में, वो आराम से सुबह सुबह जब कभी वो उठेगा मेरे साथ घूमेगा तब की बार उसको टॉर्चर रूम ही दिखाऊंगा, अब की बार मैं उसको ऐसे घर पे नहीं घुमाऊंगा। तो फिलहाल वो सो रहा होगा भाई, तो अभी ना मेरे को जाना किचन में, और किचन है यहाँ से, उसने बोला था किचन के अंदर घुस करके, तो फिलहाल यहाँ पे पहले असली फ्रिज था, बट अभी इसको हटा करके एक नकली ऐसे ही भाई, ये फ्रिज नहीं है नाम का है बस, अब ये काम का नहीं है, अब ये गेट बन चुका है, पहले फ्रिज था बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो रसगुल्ले बेटे, अगर तू सोता नहीं ना जागता रहता तो मैं तेरे को जरूर अभी ले करके चलता अपने साथ में, बट यार ये सो रहा होगा, चलो एक बार जा करके चेक कर लेते हैं, यार सो रहा है तो कोई बात नहीं, उठ तो सकता है ना, कौन सा कुंभकर्ण है जो सोता ही रहेगा, उठ नहीं सकता, अभी जा करके बातें कर लेता हूँ। फिलहाल देखते कहाँ पर है, हेलो हेलो हेलो, सो रहा है कभी नमूने, फिलहाल कहाँ पर है, लो भाई मैंने बोला था ना एक नंबर का सोतू, मतलब हमेशा सोता मिलता है, मेरे गार्ड से सही बोला था, अबे भाई नमूने, भाई नमूना उठ चुका है, बोल रहा है ड्राइवर तू कब आया, अबे भाई मैं बहुत टाइम पहले आया, तू इतना सुस्त हो चुका है, मतलब ये डोगी तो इतने एक्टिव होते हैं, जैसे उनके मालिक आते हैं तो एकदम गेट पे खड़े हो जाते हैं कब आएंगे कब आएंगे, और ये अब इतना सुस्त हो गया, ड्राइवर आता है और भाई तू मेरे पास आता नहीं मिलने के लिए, तो बिना अजीब, मतलब बिना कपड़ों कितना अजीब लगता है सच्चे, बिल्कुल अच्छा लगता मुझे तो, बाकी आप बताना आपको बिना कपड़ों के कैसे लगता है, मेरे को तो भाई कपड़ों में देखने की उसकी इतनी आदत हो चुकी है, मुझे बिना कपड़े के लगता ही नहीं है कि डोगी है, ये कोई और ही लगता है मेरे को भाई, सच में गली वाला डोग मैं पकड़ के लेकर के आ गया, मेरे को फील नहीं आता इसको उसमें देखने में, मतलब देखो बिल्कुल भी वो क्यूटनेस, वो ऐसा लग रहा है अधूरा है, बिना कपड़े का अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट है भाई ये। चल मेरे प्यारे भाई आ जा, चल तेरे को मैं जल्दी से चीज़ दिखा देता हूँ, फिलहाल वो चीज़ है एक अमेजिंग चीज़, ठीक है ना, अभी तेरे को पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये हमारे घर की किचन है, आ गए से तूने पहले यहाँ पे बहुत खाना चुराया, तो फ्रिज से बहुत खाता है मेरे को पता है, अभी तू अंदर जाएगा वो भाई ऐसे ही खुल गया, आगे से अगर तेरे ऊपर कभी भी अटैक हो जाए ना तो तू हमेशा यहाँ पे आकर के छुप जाना, और तेरे को कभी कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये तेरे लिए ही बनवाई है खास जगह भाई, सच्ची में जगह बड़ी मस्त है, अबे रसगुल्ले देख रहा है हमेशा यहीं पे आकर के छुपना, ठीक है ना, तो फिलहाल भाई ये गौर से सुन रहा है और सारी चीज़ों को गौर से देख रहा है, बहुत बड़े ओके भाई, फिलहाल मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, तो ये टॉर्चर रूम है भाई, जैसे कि आप चेयर देख रहे होंगे, अबे भाई ये है टॉर्चर रूम, समझ रहा है, अगर तेरे को किसी बंदे को पीटना हो काटना हो तो यहाँ पर आ जाना, ये देखो नींद है पूरी अभी भाई, नींद नहीं उतरी बट फिर भी समझ रहा है सारी बातें, ये समझदार है, समझ जाएगा आराम से, फिर हमेशा यहीं पर आया करेगा जब कभी मान लो कुछ ही प्रॉब्लम हो, आ जा डोगी बेटे, आगे वाला दूसरा रूम चेक करते, इस रूम में क्या है, और इस रूम में है वेपन्स, अगर तेरे को गोली चलानी आती वेपन चलाने आते तो तू यहाँ पे आकर के वेपन्स ले सकता था, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे भाई गन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बहुत सही है, चल डोगी बेटे आधा अंदर की तरफ निकलते थे, देख ले सामने वाला रूम कौन सा है, आ जा मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी जल्दी, ओके भाई ये वाला रूम खुल चुका है, ये सस्ते नशे, डोगी ये रूम तेरे लिए नहीं भाई, नहीं ये तेरे लिए रूम नहीं है, ये हमारे लिए रूम है, इसमें बिल्कुल मत आना, ठीक है ना, समझ गया, यहाँ पे बिल्कुल मत आना, अगर तू यहाँ पे आए तो मैं तेरे को बहुत पीटी पीटी करूंगा और बहुत ही ज्यादा बुरा पीटूंगा, क्योंकि भाई अगर एक बार इसने वीड लेनी शुरू कर दी तो ये सस्ते नशों का पुजारी
सुबह शाम बोलेगा ट्रेवर खाना भी ना छोड़, एक बीड़ी पिला दे, फिर भाई सच्ची उसका रिएक्शन देखने लायक होने वाला है। तो भाई मैंने तेरे को पूरा बेस दिखा दिया टॉर्चर रूम, चल जल्दी से बाहर आ जा और जल्दी से मेरे को बता कैसा लगा। तो भाई फिलहाल आप लोग भी बोलना कैसा लगा घर के ट्रेवर के, ये जो बनाया है लेस्टर नई चीज़ बनवाई है सच्ची में। वैसे मैं भी सोच रहा था ऐसी चीज़ें मेरे घर में हों ताकि मेरे को टॉर्चर रूम में मतलब यहाँ वहाँ पे ना जाना पड़े, घर के अंदर ही टॉर्चर रूम होगा तो बहुत अच्छा रहता है, और ये इसने काफ़ी अच्छा कर दिया। आ जा भाई रस्सी खुलवा ले और फटाफट से बोल कैसा लगा, एक नंबर का लगाऊंगा गारंटी देता हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे को पता है जो चीज़ ट्रेवर को पसंद आती है वो इसको बहुत पसंद आती है। अच्छा बोल कैसा लगा टॉर्चर रूम, सच बोलना अच्छा लगा या नहीं लगा, देख नीचे वाला रूम अपना। भाई बोल रहा है एक नंबर लगा ट्रेवर, मजा आ गया देख करके। आपको बताइए भाई ऐसी चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल भाई चल तू एक काम कर, अभी कपड़े वड़े पहन ले, बहुत गंदा लग रहा है, नहा करे कपड़े पहन, फिर तो उसके बाद अच्छा लगने वाला है सच में। एक तो बहुत पतला हो जाता है और अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, कपड़े पहन के रखा कर ठीक है ना, सो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं। चलिए भाई मैं फटाफट से भी यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास फोन आ चुका है डॉगी की, मैंने बोल दिया नहा ले खा ले पी ले सो जा और आराम से कपड़ों में लाकर, उसको मैंने समझा दिया है, बोल रहा है बिल्कुल ठीक है ड्राइवर जैसे बोलेगा ऐसा करूंगा। वैसे बात तो बहुत अच्छे से मानता है, जैसे कुछ छोटे बच्चों को आप समझा दो ना फिर वो ऐसे ही मानता रहता है, तो ये भी मानता था ऐसी है, बस कभी कभी जिद करता है कि मेरे को ये दिला दे वो दिला दे। तो फिलहाल भाई अभी जाना है मुझे 100 मील पर, वहां पे बोला लेस्टर ने मैंने ट्रैक कराया लड़की वहीं पर है, जा करके ट्राई कर। तो ठीक है भाई चलो जा करके ट्राई करते हैं, लड़की वहां पर है नहीं है। फिलहाल आप बताना जरूर आपको डायमंड सी गाड़ी कैसे लगी, स्टैचू को खड़े करके रखे थे लेस्टर ने वो कैसे लगे, और हमारे घर के नीचे अलग ही सीक्रेट रूम जिस फ्रिज के अंदर से रास्ता है, देखो डॉगी की तो बहुत पसंद आया। बाकी आप बताना आप लोगों को कैसा लगा, जिसमें तीन तीन रूम है, एक ड्रग्स का, एक वेपन्स का और एक टॉर्चर रूम। भाई मैं 100 मील पर पहुंच चुका हूँ। हेलो जी एंड जी, लगता है खबर गलत है जी, क्योंकि कोई सिंगल बंदा नहीं है भाई यहाँ पे, कोई एक भाई आलू बुखारा है। हेलो बेटे, सॉरी यार वैसे मन कर रहा था टक्कर मारने का, काफी टाइम हो गया किसी को नहीं मारो। अरे भाई साहब टक्कर के मार दी, 100 मील वाले आ गए भड़क गए मेरे को मारने के लिए आगे रखे हुए हैं। अबे नमूना बहुत मारूंगा बेटे, ये 100 मील के वर्कर से भाई जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने देखो मेरे पर गोली चला दी। अबे ड्राइवर से पंगा, इतना दम, अमेजिंग लेवल सही है भाई। आज मेरे को पता चल गया कि कभी किसी को छेड़ना नहीं चाहिए बिना वजह, मतलब भाई ये तो बोई वाली बात है, आम आदमी को हाथ डालना बहुत मुश्किल हो सकती है, मुसीबत पड़ सकती है। देख रहे हो ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे वर्कर्स है, गोली चला रहे ड्राइवर पे। अबे फ्री में देखो तो सही सामने कौन है, पंगा भी तो किससे ले रहे हैं ड्राइवर से, भाई यही हद है। अभी भी बचेगा कोई और नमूना, चलो उसके बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आंटी नहीं है, क्योंकि मतलब कि प्राइवेट गार्ड्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे जो बंदे हैं वो नॉर्मल है वर्कर्स है, जैसे कि मैंने देख लिया फ्री में गोली मारी और उन्होंने गोली खा भी ली है। तो अभी देखा जाए तो लेस्टर पिटेगा, अभी की बार मैं इतना पीटूंगा, इतना डंडा बजाऊंगा उसमें, सच्ची वो उसने सोचा नहीं होगा कभी भी। लेस्टर बेटे तू रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए, ऐसा डंडा बजाऊंगा तेरे में आकर के, अगर तूने मेरे को सही से नहीं बताया ना। ये फालतू चीज़ें दिखा रहा है मेरे को, कभी गाड़ी कभी ये, मान तो अच्छी चीज़ है बट यार फिलहाल अभी उनकी जरूरत नहीं है। लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर बेटे मेरी गलती नहीं है, वो लड़की निकल गई गाड़ी लेकर के थोड़ी देर पहले, एक काम करो सामने की तरफ ही गई है, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने उसने अपना नकली मिलिट्री बेस बना करके रखा हुआ है, वहीं पर जब वहीं पर तेरे को मिलने वाली है। तो ठीक है भाई चलो वहीं पर चलता हूँ, देखते अब की बार उसकी इन्फॉर्मेशन में कितना दम है। बोल रहा है सामने उसका एक नकली मिलिट्री बेस है जहाँ पर वो रहती है, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 ड्राइवर बेटे। भाई मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, तो फिलहाल भाई यहीं पर बताया गया था मुझे कि सामने उसका मिलिट्री बेस है। चल भाई ड्राइवर आगे की तरफ निकल ले, भाई कहाँ पर है लड़की का मिलिट्री बेस सामने। भाई काफ़ी चीज़ें हैं यार देख रहे हो आप, काफ़ी पानी का शिप खड़ा हुआ है सामने, पता नहीं किस टाइप का है वो तो बाद ही पता करेंगे। फिलहाल आगे की तरफ निकल ड्राइवर, बहुत बढ़िया। ओके भाई इस टाइप का मिलिट्री बेस मैंने पहले भी देख करके रखा हुआ है। ओके मिलिट्री वाले बंदे ही खड़े हुए, असली नकली हो तो अभी पता चल जाएगा। हेलो बॉयज, अरे भाई डर क्यों रहा है, मैं कौन सा टक्कर मार रहा हूँ तेरे को। तो फिलहाल ऑफिसर्स यहाँ पे आप किसके लिए काम करते हो, अच्छा जरा मेरे को अपना बैज नंबर बताओ। बंदे ने हर एक चीज झूठ बोली, इसको ना बैज नंबर पता ना कुछ, सही बोला था लेस्टर ने, सब बंदे भाई फर्जी बंदे। आ जा कहाँ तक भागोगे, आ जाओ। आंटी जी बाहर निकल के आओ, सही बता रहा हूँ मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी ट्रेवर पहुंच चुका है आपके घटिया से बेस पर, और आपने अभी आकर के अगर मेरे को बताया नहीं ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो भाई किसी ने अभी भी गोली चलाई है, कोई तो है जो गोली चला रहा है, बट क्यों चला रहा है, अरे भाई कहाँ से चला रहा है यार। ओके भाई सामने से बंदे गोली चला रहे, देखिए सामने चाचा खड़ा है, चाचा की खत्म। तो फिलहाल ना मेरे को मारना पड़ेगा भाई, पैदल ही आ रहे मारने के लिए। ऐसे ये बंदे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पास वेपन नहीं होता तब भी हार नहीं मानते, घूसे से मारने के लिए आते हैं ट्रेवर को। भाई ये सोने की मिनीगन मैंने ऐसे ही शो ऑफ के लिए लेके नहीं रखी हुई है, ये बहुत खतरनाक तरीके से बंदे का एंड कर सकती है, इनको क्या पता। फिलहाल अभी ना भाई ऐसा लगता है मुझे बंदे तो मर गए, या बस कुछ कुछ बचे हुए हैं जो कि मतलब छुप के बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं दिख पा रहे, बस ऐसे लग रहा है गोली चलाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चला रहे हैं, और देखो शोर मचा रहे बहुत ही बुरा। भाई बंदों से मैंने उठा करके बातें कर ली है, इन्हें एक दो बंदे से वेरीफाई करा, दोनों बंदों ने सेम बात बोली है,
वो लेके जाए ड्राइवर सर, जहाँ पे आपको एक येलो बोट खड़ी हुई दिखेगी ना, उसी येलो बोट के पास में एक और येलो बोट थी जिसको हमारी बॉस लेकर के कुछ देर पहले निकली है, तो इससे पहले वो निकल जाए आप उसको जल्दी से जाकर के ढूंढो। तो फिलहाल चलिए भाई अभी पकड़ते, देखते हैं आके लड़की कहाँ पर गई है। ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए, मतलब मैं बेस पर बस पहुँचा ना, वो यहाँ से निकल के भागी है, तो फिलहाल अभी मेरे को पता चल जाएगा आखिर कहाँ पर भागी है। और लो भाई ये मेरे को तो यहीं पर मिल गई, ये तो ज़्यादा दूर तक भी नहीं पहुँची, लगता है इसने मेरी सारी चीज़ देख रही थी क्या यहाँ पे। सही है भाई सही है, तो इसका मतलब ही सारी चीज़ देखने में लग रही थी कि ड्राइवर मेरे बेस पर आ गया और सभी को मारने में लग रहा है। फिर इसने देखा मैंने बोट ले ली तो अब ये भागना शुरू कर रही है। अरे आंटी जी कड़ी क्या बेवकूफ़ी कर दी आपने, जब तक मैं बंदों को पीट रहा था आप भाग जाती ना। बस काश यार यही हो लड़की मुस्तफ़ा की वाइफ, तो आज इस KGF का किस्सा पूरा फाइनल हो जाएगा। वैसे तो फाइनल हो ही गया था, मैं इसको लिस्ट में कभी से लगा ही नहीं रहा था, मैं इसको हल्के में ले रहा था। और फिलहाल अगर मैं मारना चाहता ना इसको एक सेकंड में मार देता, एक लेस्टर ही ना बस नमूना थोड़े ढील करता है, आपको पता है वो थोड़े ढीले ढीले काम करता है, बहुत ही मतलब स्लो स्लो बहुत ही आराम से सोचता है कि हो जाएगा। जब मैं उसको बोलता हूँ ना तेरे को बहुत पीटूंगा अगर तूने नहीं करा, तब उस मामले को सीरियस लेता है। भाई एक काम करता हूँ आंटी जी गोली मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आंटी ऐसे तो बोर्ड को रोकने वाली है नहीं, और फिलहाल चलती चलती बोर्ड में थोड़ा निशाना लगाना मुश्किल होता है, बट फिर भी 1% अगर गोली लग गई तो कैसे तो बहुत बड़ी हो जाएगा। आंटी जी फिलहाल थोड़ा पास मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो बहुत ज़्यादा शेक कर रही है बोट, बिल्कुल भी ना मतलब एम रुक नहीं पाता बीच में, एक तो भाई कभी बोट ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, एक तो पानी की लहरें ना इतनी ज़्यादा आकर के रखी है, और वहाँ तक मेरी गन की रेंज भी नहीं है। मैंने इसको एक बार मारने की कोशिश तो करी है, मेरे चाचा जी जरा थोड़ा आगे ले ले इस बोट को, ड्राइवर सिर्फ 100 की स्पीड भाग रही है भाई तेरी थकी बोट। आंटी जी गोली खाओगे क्या भाई? ओके भाई लग गई, मैंने बोला जरा एक दफर लग सकती है, आंटी को गोली लग गई है। फिलहाल मरी है नहीं मरी हो तो जाकर के चेक कर लेता हूँ, वैसे नहीं मरी होगी ना तो मैं गैरेज में ले गया करके इससे सारी बातें भी तो पूछ लिया ना, ऐसे थोड़ी मरने दूंगा। आंटी ने बड़ा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग सोच रही थी कि इसके अंदर ही बस दिमाग है, पूरी दुनिया में और किसी को है नहीं भाई। फिलहाल पीठ पे गोली लगी है, मरी तो नहीं होगी, बेहोश हो गई है। आंटी जी को लेकर के चलते हैं गैरेज में, वहीं पर इनकी सेवा करेंगे। चलो आंटी को भाई मैं गैरेज में लेकर के आ चुका, मैंने कन्फर्म कर लिया यही है मुस्तफ़ी की वाइफ, सारी बात इसने बोल दी, सीधा सा मेन पॉइंट है भाई यही। ये भी यही बोल रही है जैसे इसका हस्बैंड बोल रहा था, ड्राइवर तूने मेरा सपना खराब कर दिया, मेरे KGF को पाने की बहुत टाइम से कोशिश करी थी। ऐसा यही बोल रही है कि हम दोनों का सपना था कि हम KGF के बॉस बन के बैठे, तुमने मेरे हस्बैंड को मारा, हमारा सपना छीन लिया, इसलिए मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेना चाह रही थी, और मैंने बहुत अच्छे काम कर भी दिए थे, तुम्हारा प्रिंस भी किडनैप करा, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कर रही थी, बट तुम्हें एकदम से मेरी लोकेशन पता चल गई। तो फिलहाल बट भाई अरे रे यार देखो मारते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको ऑफर भी दिया कि मेरे साथ आ जा मेरी टीम में काम कर ले। एटीट्यूड वाली लड़की है, बोल रही है मरना पसंद करूंगी बट तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो फिलहाल चलिए भाई इसका नेता बना देते हैं, फिलहाल इस तरफ को आग फेंक करके पीछे घूम जाते हैं, लड़की को मरते देखना अच्छा नहीं लगेगा, बट फिलहाल देखो मारना पड़ेगा क्योंकि भाई इसने बहुत परेशान किया है। तो ठीक है अभी आप छुट्टी, बाय बाय बाय। तो फिलहाल चलिए भाई इसका मैंने नेता बना दिया है, फाइनली KGF की मुस्तफ़ा की वाइफ का दी एंड, बात खत्म। बहुत बुरा हुआ, लड़की नहीं मरनी चाहिए थी बट क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड वाली लड़की के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई जेंडर सोच के अगर मैंने इसको अब छोड़ दिया ना फ्यूचर मेरा ही खराब होने वाला है, ये ढीठ है ये फिर आएगी। अभी भाई एक लास्ट काम पता है क्या करना है, लास्ट काम करना है माई के लिए घर पे जाना, उसको लेकर के चलता हूँ सीधा प्रेसिडेंट हाउस पर। मैंने ऑलरेडी न्यूज़ वाले को फोन करके बोल दिया है, अभी प्रेसिडेंट हाउस पर जाकर के माइकल को पीट करके कहलवाऊंगा कि उसने जानबूझ के प्लानिंग के हिसाब से उस दिन बोला था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, वो आराम से वो दोबारा प्रेजेंट बनेगा, जा करके बोलता हूँ सही बंदों को, और माइकल भी हाँ बोलेगा, नहीं तो माइकल को बहुत पीटूंगा मैं, प्रेजेंट तो माइकल ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल भाई मैं माइकल के घर पर पहुंच चुका हूँ, माइकल को मैंने समझा भी दिया था फोन पे सारी बातें, माइकल बोल रहा है ठीक है यार ड्राइवर, बट एक बार बस लास्ट टाइम अगर फिर से ऐसी चीज हुई ना देख मैं फिर से इस्तीफा दे दूंगा, फिर तो मेरे को मजबूर नहीं कर सकता। तो मैंने इसको मना लिया भाई आखिरी बार बोल करके, काश यार अभी ऐसा आगे कुछ और ना हो, ये मान चुका है बोल रहा है मैं प्रेजेंट बनूंगा, तो फिलहाल चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको बोला तो बहाना ये लगाना कि जो KGF ना हमने एंड की थी उसकी जो मुस्तफ़ा की वाइफ बच गई थी वो बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए जानबूझ के मैंने अपने आप को प्रेजेंट सीट से हटा दिया ताकि मैं उसको पकड़ सकूं, वो खुल करके सामने आए, हम एक ये ऑपरेशन कर रहे थे उसको पकड़ने का, ये बहाना मैंने इसको बोल दिया है, इससे क्या होगा सब इसकी बात पे यकीन कर लेंगे। मेरे प्यारे लॉस सैंटोस वाले भाई और बहनों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ, वो सब कुछ एक प्लानिंग थी एक लड़की को पकड़ने की जो की थी मुस्तफा की वाइफ, जो KGF की बॉस बनना चाहती थी, वो बहुत खतरनाक लड़की थी, उसने काफी मर्डर किए सारी चीजें करी, तो इसलिए मेरे को अंडरकवर रह करके उसको पकड़वाना पड़ा ड्राइवर से रह करके, और फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, अभी वो लड़की हमारे कब्जे में आ चुकी है, अभी आपका प्रेजेंट दोबारा से आपके सामने है। मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपसे ऐसी ऐसी बातें बोली थी, बट अभी मैं दोबारा से सीट पर आ गया हूँ,
उसको मारना बहुत जरूरी था। फिलहाल वो लड़की मर चुकी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत अच्छी बात है, इसने सारी बातें बिल्कुल ऐसे ही बोली भाई जो मैंने बोला। और भाई लेसर नमूने आ गया मजा, तेरा प्रेसिडेंट बन गया माइकल दोबारा से, जो हमने चाहा था वो सारी चीज हो गई। अपनी रिच लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। देखा जाए तो कोई ज्यादा नुकसान वो कर ही नहीं पाई, हमने उसको करने ही नहीं दिया। अभी भाई ये है बस, अभी वो जो दुबई का बंदा आके रखा है ना, उसके साथ मेरे को घूमना है और नए नए गॉडफादर बनवाने हैं शहर में, जिस हिसाब से फिर वो बंदे मेरे लिए काम करें। कल सब उस काम पे स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि भाई वो काम बहुत जरूरी है, गॉडफादर नए नए सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं भाई थक चुका हूँ। सारे काम ड्राइवर को करने पड़ते हैं, अपने नीचे बंदे रखेंगे ताकि वो बंदे मेरे लिए काम कर सके परमानेंट। उनको पैसे मिलेंगे महीने में, ऐसा ही काम चलने वाला है, क्योंकि भाई ड्राइवर अकेला कब तक काम करेगा। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हमारा लेवल काफी बड़ा है। अभी हम अपने काम करवाने के लिए अपने नीचे बंदे रखने चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है, यही काम करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई माइकल लग रहे, तो माइकल प्रेजेंट बन चुका है, ड्राइवर के नीचे गॉडफादर आ जाएंगे काफी सारे। तो देखा जाए अभी कोई विलन है नहीं, वैसे विलन तो मैंने सारे मार दिए थे, तो फ्री में मरने के लिए आई थी उसकी वाइफ, अगर ना आती तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो से इतने और, तो ये वीडियो कैसे लगी, सारी चीजें कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसे सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा, उस पर भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।